व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, अब तक हम पॉलिटी के 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 14 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इन 14 चैप्टर में अगर देखा जाए तो हम लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप लोग देखें यहाँ पर, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, तो ये वाला पोर्शन जो है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये वाला कंप्लीट पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि 99.9% क्वेश्चन जो है आप लोग यहां से अटेम्प्ट कर लेंगे अगर सारे लेक्चर देखेंगे तो। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों से बच पाएंगे, वो भी अगर आप लोग माइंड में क्लैरिटी रखकर नहीं चलेंगे तो। अगर लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो ये काफी अच्छा रहेगा अगर आप लोग, जिसने लेक्चर नहीं देखा है, ये पुराने लेक्चर सारे देख लीजिए आगे पढ़ने से पहले। और ये बेसिक्स भी है यहाँ पर, सारी चीजें यहाँ पर बेसिक्स में कवर कर चुका हूँ अच्छे से। इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी। तो लास्ट वाला जो 14 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन था, तो सेंटर के और स्टेट के बीच में जो रिलेशन था वो हमने देखा था। तो जो वो रिलेशन था यहाँ पर, एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको शो कर रहा था, किस तरीके से हमारे यहाँ पर संघवाद का ढांचा काम करता है, वो सारी बातें हम लोगों ने देखने को मिली। अब यहां पर हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? दो वर्ड होती हैं, एक तो आप लोगों ने सुना होगा इंट्रा, ठीक है? तो इंट्रा का जो मतलब होता है वो होता है विद इन द स्टेट। मतलब बात करें, अगर हमने राजस्थान की बात करी तो राजस्थान की बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें हो रही है तो उसको कहते हैं इंट्रा, ठीक है? पर लेकिन जब इंटर स्टेट की बात हो गई तो हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं राजस्थान के बीच में और मध्य प्रदेश के बीच में, हम लोग बात कर सकते हैं राजस्थान के बीच में, या फिर यहां पर आ सकते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से फिर यहां पर बात हो जाती है कि दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेटों के बीच में जो बात की जाती है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो इंटर स्टेट रिलेशन की बात की जा रही है, कि स्टेटों के बीच में किस तरीके से रिलेशन है। तो ये वाला कंप्लीट पोर्शन मैं यहां पर कवर करके चलूंगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा, फ्यूचर में आप लोगों का कंप्लीट पोर्शन यहां पर कवर हो जाएगा अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चन यहां पर आता है आप लोग आसानी से अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। ओके, तो जो कंप्लीट चैप्टर हमारा घूमेगा इन चार पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। ये चार पॉइंट आप लोगों को स्टार्टिंग में बता देता हूं जिससे आपके माइंड में आगे आगे क्लैरिटी रहे। तो पहले क्या बात की गई यहां पे? पहले बात की गई है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो जो वाटर का जिसके लिए लड़ाई रहती है हर एक स्टेट के बीच में, पहले हम वो चीजें देखेंगे। यहां से आप लोगों को पता चलेगा किस किस तरीके से, जब से आप लोग देख सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से लेके कैसे वाटर से रिलेटेड इशू भी आने स्टार्ट हो गए दोनों के स्टेटों के बीच में। तो ये इशू आप लोगों को यहां पर क्लैरिटी लेके आएगा कई सारे बातों में, तो यहां पर इस वालों को अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में चलेगा इंटर स्टेट काउंसिल, ये क्या है, कहां से निकल के आई, कौन सा आर्टिकल यहां से इनसे बिलोंग करता है, फिर वो चीजें देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में पब्लिक एक्ट क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इससे रिलेटेड इंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग चीजें देखेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को जानने को मिलेगा किस तरीके से ट्रेड का फ्रीडम होनी चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, कॉमर्स और इंटरकोर्स क्या होता है, ये भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर हमारा इन चार पॉइंट के ऊपर चलने वाला है। ओके, तो आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे चलने से मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताता हूँ कि इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, क्या बातें कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है अगर लड़ाई होती है स्टेटों के बीच में वाटर को लेके, पानी को लेके, तो उसका क्या यहाँ पर सजेशन या सॉल्यूशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 262 आर्टिकल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है। 262 आर्टिकल के तहत दो बातें बोली जाती हैं, दो प्रोविजन यहाँ पर रखे गए हैं। क्या है वो प्रोविजन? ये प्रोविजन है कि अगर किसी स्टेटों के बीच में पानी को लेकर लड़ाई होती है तो पार्लियामेंट ला बना सकती है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है? पहली तो बात ये हो गई, लड़ाई रिवर पर हो सकती है या फिर रिवर वैली पर हो सकती है, तो दोनों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां पर ला बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ओके, कि किस तरीके से वाटर को कंट्रोल करना है, किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक से दूसरे के बीच में, स्टेटों के बीच में। ओके, पहली बात आप लोगों के लिए ये हो गई। दूसरी बात में क्या बोला गया है? दूसरी बात में यहां पर बोला गया आर्टिकल के तहत कि अगर इस तरीके का कोई भी मैटर आ रहा है, लड़ाई हो रही है दो स्टेटों के बीच में, तो सॉल्यूशन जो है पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट पिक्चर में आएगा इससे रिलेटेड, ये मैटर जो है खुद ही सॉल्यूशन निकाला जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो मतलब कोर्ट को यहां पर साइड में रख दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी हुई है बकायदा आर्टिकल 262 में। तो ये आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होना चाहिए।
इसके अलावा अगर थोड़ा आप लोगों को रीजन भी बताऊं तो यहां पर आप लोग एरिया देख सकते हैं कि किन किन एरिया में ये इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोगों को यहां पर रिवर भी देखने को मिलेगी, तो कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए और आप लोगों को याद रखनी है वो रिवर। जैसे रवि और ब्यास की बात की जाए तो इसके लिए कौन कौन स्टेट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। तो रवि और ब्यास की बात की जाए तो ये हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तो ये वाला एरिया आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर नर्मदा रिवर की बात की जा रही है। नर्मदा रिवर ये हो गई यहाँ पे, ये वाली। यहाँ पे किस किस के बीच में लड़ाई चल रही है, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये वाला पोर्शन। काफी बड़ी रिवर है ये भी, काफी न्यूज में भी रहती है कई बार इन चीजों की वजह से। इसके अलावा कृष्णा रिवर के बीच भी डिस्प्यूट चल रहा है, किस किस के बीच में, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीआर रिवर के रिलेटेड चल रहा है तमिलनाडु और केरला में, और यहाँ पर गोदावरी को लेकर चल रहा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। और कावेरी रिवर को आप लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, इसको लेकर चल रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक है ना। तो कर्नाटक हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु, तो इनके बीच में लड़ाई चल रही है इसको लेकर, किस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के बीच में होना चाहिए। तो एक कंप्लीट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जो इनके बीच में एक एक पॉइंट को लेकर लड़ाई चल रही है कि कहां कहां से हम लोगों को इरीगेशन के लिए पानी लेकर के आना है, कहां से ड्रिंकिंग वाटर निकाल के लेके आना है, तो किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बीच में, ये बातें यहां पर की जाती है। और आर्टिकल 262 के तहत अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट ने अब तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो यहाँ पर एक्ट भी बनाए हैं। तो पहला जो एक्ट है ये है रिवर बोर्ड एक्ट, ये 1956, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मैं, अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी तो आप लोगों को याद आ जाएगा बात कि जब मैंने बोला था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से ये चीज़ें बनाई गई थी। उस टाइम पर लड़ाई होनी स्टार्ट हुई थी सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट स्टेट के बीच में कि किस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेंटर पर उस टाइम पर जाकर सेंटर में फिर ये बातें पहुंची। ओके, तो जो दो बातें यहाँ पर निकल के आती है, दो एक्ट निकल के आते हैं, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो पहले वाला जो है यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करता है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरीके से उनको प्रमोट करना है, वो सारी बातें यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर अगर लड़ाई हो जाती है तो किस तरीके से उनका सोल्यूशन निकालना है, तो ये वाला सोल्यूशन का काम करता है और ये वाला डेवलपमेंट का काम करता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर सोल्यूशन, अगर झगड़ा हो जाता है तो झगड़े का सोल्यूशन क्या निकालना है, तो दो एक्ट ये बनाए गए थे जिनके ऊपर वर्क किया जाता है। ओके, तो ये तब से लेके अब तक जो वाटर ट्रिब्यूनल है ये इस तब से सेटअप भी किए गए हैं, तब से आप तक देखा जाए तो 8 यहाँ पर सेटअप किए जा चुके हैं। सारे रटने की जरूरत नहीं है, एक तो जो करंट में है ज्यादा थे उसको आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कावेरी वाला है बहुत ज्यादा करंट में है, ठीक है, तो काफी न्यूज में रहता है ये किस किस के बीच में है, कर्नाटका हो गया यहाँ पे, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया और पौंडीचेरी हो गया, तो इन सब के बीच में है। एक तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, दूसरा जो अभी लेटेस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो लेटेस्ट में अभी ये 2010 में बने हुए हैं ये दो, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच को इसको लेकर बनाया, और गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो ये दो भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक पहले वाला भी आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे पहले बनाया गया था ये, स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग वाले भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की डेट में अगर देखा जाए तो 8 हैं, तो वन संद्रा वाटर डिस्प्यूट 2010 में और महादेई वाटर डिस्प्यूट 2010 में। तो थोड़ा स्टेटों का भी नाम याद रख लीजिए, कई बार ये मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन कौन से एरिया को ये प्रॉब्लम टैकल कर चलते हैं। ओके, फिर बात आती है सेकेंड पॉइंट की, और यहाँ पे बात की जाती है इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात यहाँ पर की जाती है, जो कि कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है, किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट स्टेट के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूज में भी रहता है, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है इसको, ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से पब्लिक को फायदा पहुंचाया जाना है, तो उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए इनका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और जब लास्ट वाला लेक्चर हम सेंटर के जब रिलेशन की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हम लोगों ने ये बातें देखी थी सेंटर स्टेट के रिलेशन में, कई सारे कमेटी और कमीशन मैंने डिस्कस किए थे, उनमें से काफी इंपॉर्टेंट था सरकारिया कमीशन के बाद में पुंछी कमीशन आया था, जो कि इसको फॉलो करता हुआ आया था, क्योंकि ये काफी टाइम हो गया था, तो इसके बाद में फिर रिफॉर्म जब करने की बात आई तो फिर पुंछी कमीशन आया था। तो सरकारिया कमीशन के तहत हम लोगों ने देखा था, इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी कि आर्टिकल 263 के तहत हमको इस्टेब्लिश करनी है इंटर स्टेट काउंसिल। और उस टाइम पर ये इंटर स्टेट काउंसिल जब इस्टेब्लिश की गई तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, ये वही वीपी सिंह है जिसने ओबीसी को रिजर्वेशन भी दिया था, तो इनका आप लोग नाम याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज में भी रहता है। तो ओबीसी में जो 27% का जो रिजर्वेशन आया था वो इन्हीं की वजह से आया था वहां पर, ठीक है,
जो मंडल कमीशन का भी आप लोगों ने नाम सुना था लास्ट वाले लेक्चरों में। इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन किया गया यहां पर देख सकते हैं 1990 में किया गया, जो स्टैब्लिश की गई। ओके, इस वाले पोर्शन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, जो आर्टिकल 263 के अंदर बनाई जाती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि चेयरमैन कौन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहे। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है, और जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ऑल द स्टेट वो मेंबर्स होते हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, जहाँ यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लेते हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो यूनियन टेरिटरी, जैसे आप पौडीचेरी या फिर दिल्ली का नाम ले लीजिए, यहाँ पर सीएम्स होते हैं, तो यहाँ पर इन ये आ सकते हैं। तो ये सब मेंबर्स होते हैं गवर्नर स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। जहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है वहाँ अगर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो वहाँ से गवर्नर आएगा, ठीक है। और सिक्स सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर रहेंगे जो कि नॉमिनेटेड किए जाएंगे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखिए दो चीजें याद रखनी है, एक तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको नॉमिनेटेड किया जाएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं आना है, कभी आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाए। दूसरा क्या रहना है, प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पर चेयरमैन रहेगा, यही इनको नॉमिनेटेड करेगा। इसके अलावा स्टेट से रिलेटेड फंड हैं सारे, ठीक है। तो चार बातें स्टेट से रिलेटेड है, एक बात यहाँ पर हो गई कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड, और एक हो गई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पर नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, यहाँ पर एक बात और बोली जाती है, जो काउंसिल जो है इसकी मीटिंग जो होनी है ये एट लीस्ट थ्राइस इन ए ईयर, तीन बार मिनिमम साल में एक बार होनी चाहिए ये, ठीक है। और मीटिंग जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जिस तरीके से आप लोग राज्यसभा टीवी देखते हैं, तो वहां पर सारी जो प्रोसीडिंग होती है राज्यसभा की वो कैमरे के अंदर होती है, ठीक है। आप लोग चैनल देखते होंगे जिस तरीके से, तो इसी तरीके से सारों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो क्वेश्चंस डिसाइड करने हैं वो सबको मिलजुल कर करने हैं, कंसेंसस से करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी कुछ बोल दे और उसके बेस पर यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, संघवाद का ढांचा जिसको हम लोग कहते हैं, तो एक संघवाद का काफी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर ढांचा देखने को मिल रहा है जिसके बेस पर यहाँ पर वर्क किया जाता है। तो आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी होगी इसके बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके आगे तीन चीजें बोली जाती हैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें बोला गया है कि पब्लिक एक्ट रिकॉर्डिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग। पब्लिक एक्ट क्या होता है, जिस तरीके से जो एक्ट बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कर उनको पब्लिक एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो बिल होते हैं स्टार्टिंग में, फिर उनको पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करने के बाद में, फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में जो बिल्स होते हैं उनको एक्ट बना दिया जाता है। तो जो बिल एक्ट बनकर आते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, या फिर जो रिकॉर्डिंग्स होती है आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से जो भी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर होती है, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जुडिशरी के जो भी यहाँ पर फैसले निकल के आते हैं, तो उनमें फुल फेथ रखना चाहिए, उनमें फुल फेथ रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर एक दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन रखने का काफी अच्छा साधन माना जाता है। जो नेक्स्ट पोर्शन आता है ये पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीन बातों पर आप लोगों को फोकस देना है, और इन तीन बातों में आपके माइंड में कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में क्लियर कर देता हूं मैं आज। एक तो बात टर्म कई बार आप लोगों ने सुनी होगी ट्रेड, दूसरी सुनी होगी कॉमर्स, और तीसरी टर्म्स आप लोगों ने सुनी होगी इंटरकोर्स। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, पहले ट्रेड का मतलब समझ लीजिए। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग, गुड्स को जब खरीदा और बेचा जाता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड होता है आप लोग देख सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो जो ट्रेड होता है जो हम खरीदते और बेचते हैं चीजों को उसको कहते हैं ट्रेड। कॉमर्स की बात होती है, जब कॉमर्स का वर्ड का मीनिंग आता है तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब जो हमने खरीद लिया है सामान उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। उसको हम लैंड से ले जा सकते हैं, एयर से ले जा सकते हैं, या फिर वाटर से ले जा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ट्रेड का मतलब हो गया खरीदना गुड्स और सर्विसेज को, कॉमर्स का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, और इंटरकोर्स का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ द गुड्स वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ये मीडियम हो गया यहां पर, इसके थ्रू ले जाया है और यहां गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए तीनों के अलग अलग मीनिंग। तो यहां पर थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन क्लियर रखना है, किसी भी तरीके से आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहां पर यूज हो रहा है। तो यहां पर तीन आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल जो जिक्र किए गए इन तीनों बातों के बारे में, तो आर्टिकल 301 से 307 तक, 301 से 307 तक, ठीक है ना। तो 301 से 307 तक की बातें यहां पर की जा रही है। तो आर्टिकल अगर 301 की बात करूं तो यहां पर क्या बात की जाती है, डिक्लेयर किया जाता है कि जो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स होता है थ्रू आउट द कंट्री इंडिया शैल बी फ्री, मतलब
कहीं पर भी कोई भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जो जीएसटी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, कहीं ना कहीं वो भी एक इसी का पार्ट था कि हमको अपनी कंट्री यूनाइट करनी थी। ऐसा था कि कहीं पर कोई चीज़ किसी भाव में बेची जा रही है तो कहीं पर किसी भाव में बेची जा रही है, तो उसको इस तरीके से हटाकर उसको पर्टिकुलर कंट्री में थ्रू आउट यूनिफॉर्मिटी लाने का काम किया जाता है। ओके, तो एक तरीके से बैरियर हटाने का काम करता है स्टेटों के बीच में। जिस तरीके से सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर एंटर करते थे तो बाउंड्री पे काफी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, तो किस तरीके से वो लाइन हम लोगों को खत्म करनी है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्रिएट सिंगल यूनिट भी, कि जिससे कि फ्री ट्रेड फ्लो हो सके हमारी कंट्री में, तो एक सिंगल यूनिट की तरीके से वर्क किया जा सके, बाउंड्री है जो है वो डिमोलिश की जा सके बिटवीन द स्टेट, तो ये काम किया जाता है आर्टिकल 301 के तहत। जिस तरीके से आर्टिकल 301 के तहत हम ट्रेड पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड को फ्री होना चाहिए, गुड सामान को एक जगह से दूसरे जगह से किस तरीके से पहुंचाना चाहिए, वहां पर फ्री ट्रेड की बात की जाती है, बाउंड्री को खत्म करने की बात की जाती है। पर लेकिन जब आर्टिकल 302 से 305 तक के आर्टिकल की बात की जाती है, पैराग्राफ यहां पर पार्ट किस में है, पार्ट 13 में है ये सारा, ठीक है ना, ट्रेड से रिलेटेड मैटर, तो पार्ट 13 में, तो पार्लियामेंट यहां पर रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी है रिस्ट्रिक्ट करने की भी कुछ हद तक। कब? अगर कुछ ऐसा काम होता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, कॉमर्स पे या फिर इंटरकोर्स पे। तो वहां पर उस टाइम पर अगर पब्लिक के फायदे में नहीं है कोई काम ऐसा, तो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर मान लीजिए एक स्टेट को कोई चीजें हैं और दूसरे स्टेट में वो ले जाकर सेल की जा रही है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक स्टेट से, तो महाराष्ट्र से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आया, आलू वगैरह लेके आए, ठीक है ना, और दूसरे स्टेट से भी आलू लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी तीसरे स्टेट में ये जा रहे हैं तो महाराष्ट्र वाले आलू को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश में जो आलू उगाए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो प्रिफरेंस नहीं दे सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सबको एक साथ में मिलकर हम लोगों को रखना है। ओके, इसके अलावा आगे क्या कर सकते हैं, देखिए आगे ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एक स्टेट में, महाराष्ट्र में मान लीजिए आलू की कमी पड़ गई, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में आलू की कमी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र से आलू को बाहर भेजा जा रहा है, यहां पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि अपने स्टेट की तो पूर्ति करो भाई साहब पहले, तभी बाद में दूसरे स्टेट को तो आप खिलाना। वही है ना, आप लोगों ने मूवी अभी देखी होगी, उसमें बोला जाता है कि दो तन्नू वेट्स मन्नू देखी होगी, उसमें बोलती है शर्मा जी पहले अपनी पेटी बांध लो तो उसके बाद में बताना, ठीक है ना, तो पहले अपने ऊपर ध्यान रखो तभी तो दूसरों को कुछ कर पाओगे ना, और जब तक खुद का आप ध्यान नहीं रख पा रहे दूसरों के लिए क्या कर पाओगे, तो पहले अपने स्टेट का पेट पूल, अपने स्टेट का पेट की पूजा करो, उसके बाद में दूसरे स्टेट के बारे में सोचना। तो ये भी यहाँ पर इस तरीके का भी प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है। तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये सारा हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अगर सोसाइटी अच्छे से काम कर रही है तो इस तरीके के स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टेट बेफालतू में किसी स्टेट से कुछ आने का सामान आ रहा है वहां से, उसमें प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो यहाँ पर स्टेट के हाथ में ये पावर नहीं दे रखी है कि स्टेट डायरेक्ट उठा के कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन पार कर दे, यहाँ पर ऐसा बिल है उसको पास करके एक्ट बना दे कि किसी भी ट्रेड में या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि कॉमर्स में या इंटर कोर्स में कहीं पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ऐसा करने के लिए इनको पहले से प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, तो जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनसे पहले इनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ये लेजिस्लेशन बनाने जा रहे हैं और बताइए ये हम पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा इनको, तभी ओनली लिखा हुआ यहाँ पे याद रखना, तभी उसको पास किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे बड़ा फंडा ये है इसके पीछे कि किसी न किसी तरीके से भी हमको अपना फ्रीडम रखनी है ट्रेड के अंदर में, चीजों को आराम से एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाया जा सके। ओके, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है जोनल काउंसिल के बारे में, आप लोगों को पता होगा। देखिए जोन की बात की जाती है, जब एक पर्टिकुलर जोन की बात की जाती है, आप लोगों ने रेल में भी जोन की बात सुना होगा, तो कुछ एरिया को एक पर्टिकुलर के मतलब पर्टिकुलर उसमें बांध देते हैं थ्रेड में, मतलब एक धागे में बांध देते हैं कि ये एरिया को ये वाला जोन बोलेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने SSC वगैरह का अगर फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को पता होगा नॉर्थ जोन बोलते हैं, सेंट्रल जोन बोलते हैं, तो इस तरीके से जोन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है ना, तो काउंसिल बना दी गई अलग से, तो जोनल काउंसिल बनाई गई, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, पार्लियामेंट में बिल लाने के बाद में उसको पास किया जाता है, उसको एक्ट बनाया जाता है और एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्टैचुटरी लॉ भी बोलते हैं, इनको स्टैचुटरी बॉडी भी बोलते हैं, जो कि स्टैचुटरी जो कि लॉ के
द्वारा बनाई जाती है उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इनके बारे में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ होता है, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हम लोग नहीं बोलेंगे। ओके, तो माइंड में क्लैरिटी रखनी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इस्टैब्लिश कब की गई आप लोगों को देखना पड़ेगा कि 1956 में ये कौन सा टाइम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम है, उस टाइम पर जब स्टेटों को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, बहुत सारे स्टेटों में से नए नए स्टेट निकलकर आने स्टार्ट हुए थे, तब हमने देखा था फैज अली कमीशन भी उस टाइम पर आया था जिसके बेस पर हम लोगों ने चीजों का सेटल डाउन किया था, तो तब की ये बात की जा रही है यहां पर। ओके, तो यहां पर डिवाइड जो किया गया इनको फाइव जोन में डिवाइड किया गया। फाइव जोन आप लोग देख सकते हैं यहां पर, नॉर्थ जोन हो गया, तीन तो यही हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक हो गया यहां पर सेंट्रल जोन हो गया। ठीक है, तो ये हो गए यहां पर जो प्रोवाइड जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। ओके, तो ईच जोन के लिए जोनल काउंसिल होगी जो कि चीजों को देखेगी क्या सही है और क्या गलत है। ये देख सकते हैं आप लोग कौन सा स्टेट कौन कौन से एरिया में पड़ रहा है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके वाला स्टेट कौन से जोन में पड़ रहा है, जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आए अगर आपसे कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे कहीं पर। तो नॉर्थ जोन में कौन से पड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, यहां पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। सेंट्रल जोन में कौन आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, उत्तर छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, यहां पर इनके हेडक्वार्टर भी आप लोगों को याद रखने हैं, आपने आप लोगों का बताना है कि कौन सा स्टेट आप लोगों का कौन से जोन में पड़ रहा है और आपका हेडक्वार्टर कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा याद रखने के लिए। ओके, तो यहां पर हो गया इलाहाबाद, यहां पर हो गया सेंट्रल का, इसी तरीके से ईस्टर्न जोन हो गया, यहां पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो गया, तो यहां पर कोलकाता हो गया इसका हेडक्वार्टर। वेस्टर्न जोन की बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, तो दमन एंड दीव, तो ये हो गया मुंबई इसका। ओके, और सदर्न जोनल जो हो गया अगर इसकी बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहां पर हो गया तमिलनाडु, केरला और पुंडीचेरी। ओके, तो ये हो गया यहां पर चेन्नई, तो थोड़ा सा पुराना है, अगर आप लोग यहां पर देखना चाहे तो सदर्न जोन में ही यहां पर तेलंगाना भी आ जाएगा। ओके, तो यहां पर अगर बात की जाए फिर इसके अलावा एक और बनाया गया जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी बनाई गई है बाद में, ये बनाई गई 1971 में, ये थोड़ा लेट बनाई गई, तो जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्ट वाली बनाई गई, तो यहां पर ये सिक्स्थ वाली भी हो गई। ठीक है ना, ये सिक्स्थ क्रिएशन हो गया, इसके अंदर सारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, तो ये सारे मेंबर यहां पर इंक्लूड किए गए। तो नीचे जो भी क्वेश्चन पूछा था आप लोग आंसर बताना है, देखिए पार्टिसिपेट किया कीजिए, ठीक है ना, जिससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी रहे अच्छे से। ऑब्जेक्टिव क्या थे जोनल काउंसिल को बनाने के, सबसे बड़ी बात तो है इंटीग्रेशन करना, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अगर एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो एग्जाम के ड्यूरेशन में जब डिस्कशन किया जाता है ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी रिविजन हो जाता है, तो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, रीऑर्गेनाइज इंटीग्रेशन या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे मिलकर रहे, कोई भी मैटर एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी से इंप्लीमेंट किया जा सके, सोसाइटी में सब मिलजुल कर रहे, आइडिया एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सके, तो इस तरीके का कोई भी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट जा रहा है जो कि प्रोजेक्ट आप लोगों को रोड बनानी है और रोड क्रॉस कर रही है दो स्टेट के बॉर्डर को, रोड क्रॉस करके जा रही है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में, तो दोनों के बीच में अगर अच्छे से रिलेशन है, हार्मनी अच्छे से है, तो दोनों के प्रोजेक्ट हैं आराम से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम भी बना रहे, रीजन में जो है इनइक्विलिटी न आए ज्यादा, तो सीधा सीधा बात किया जा रही है कि सबको इंटीग्रेट करना, एक धागे में पिरोने की बात की जा रही है इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो उसी के लिए इनका गठन किया गया था, ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी से रखनी है जिससे कि कोई कंफ्यूजन आने वाले टाइम में न रहे किसी भी तरीके से। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट यहां पर आप लोगों का चैप्टर एंड, यहां पर आप लोग इससे जो ये कंप्लीट पीडीएफ है आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, ये फेसबुक का पेज है या फिर आप लोगों को यहां पर भी मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, दूसरों को शेयर किया कीजिए जिससे कि दूसरों का भी इससे फायदा हो सके। ओके, और देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए जितना हो सके, और मिलजुल कर रहिए और खुश रहिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को जितना हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, आप लोग देख के आइएगा नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ, जिससे कि आप लोग जब लेक्चर सुने तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।